ये है क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें आपको करना है कि एक बटी सत्रह की दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जैसे वन अपान सेवेंटीन है तो सत्रह को हम सत्रह को भाग देंगे वन में ठीक है और इसमें ये बताना है कि जब हम इसको भाग देंगे तो अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो कितने अंक तक आएगी अधिकतम तो हम इसको भाग देते जाएंगे इसको आपको करना क्या है जीरो बढ़ाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे जीरो आएगा अभी भी नहीं जा रहा फिर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हंड्रेड बन जाएगा अब सेवेंटीन की टेबल पढ़ना है कि हंड्रेड से ज्यादा ना हो सत्रह पच्चे पचासी सत्रह छक्का एक सौ दो तो सत्रह पचे लगभग पाँच बार जाएगी एट्टी फाइव और फिर आ जाएगा माइनस वन और फाइव वन और फाइव इसको ऐसे 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 करेंगे तो ये लगभग सोलह अंक सोलह अंक तक जाएगी ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं इसको आप लोग केवल और केवल कुछ नहीं करना केवल भाग देना है इसमें आप लोग इसको भाग दीजिए घर पर प्रैक्टिस करिए अगर नहीं आता है तो हम इस क्वेश्चन को बताएंगे लेकिन पहले आपको ट्राई करना है ट्राई करके दिखाना है कहाँ नहीं आया अगर नहीं आएगा तभी बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आपको केवल भाग देते जाना है दो पेज में आएगा भाग इसका क्योंकि भाग लेंदी है सोलह अंक तक जाएगा इसके बाद कट जाएगा अब हो सकता है आठ दस अंक तक ले जाएं फिर कहें कि नहीं आ रहा है तो मैं इसके लिए ये बता दूं कि ये सोलह अंक तक ऊपर जाएगा जैसे ऐसे 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 सोलह अंक आएंगे इसमें ऊपर तब ये जाकर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो ये होमवर्क है आप लोग इसको घर से करिएगा नहीं आएगा तो हम बताएंगे ठीक है चलते हैं बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है यह है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है कि पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है तो कहने का मतलब पी बटे क्यू के रूप में ऐसा नंबर लेना है जैसे हमने मान लिया ले लिए तीन बटे पांच क्या ले लिए तीन बटे पांच तो ये पी बटे क्यू के रूप में है भी क्यू डू जीरो भी है उसके बाद क्या करें जिसका एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है अगर इसका गुणनखंड क्या करेंगे तो क्या आएगा थ्री इंटू वन इसका करेंगे तो फाइव इंटू वन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो केवल एक है दोनों में तो उभयनिष्ठ गुणनखंड खंड एक है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है अगर हम इसको दशमलव में बदलेंगे थ्री अपॉन फाइव को तो क्या आएगा पॉइंट सिक्स जो कि एक शांत दशमलव प्रकार है तो ऐसे ही उदाहरण देने हैं एग्जाम्पल देने हैं आपको आंसर में आंसर में क्या देना है एग्जाम्पल तो आइए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं अब जैसे मान लीजिए हम लिख दिए पांच बटे दो कुछ भी लिख सकते हैं सिर्फ इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो केवल एक होगा एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा जैसे मान लीजिए हम दस बटे चार लिख दिए तो ये गलत होगा क्यों क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा दो गुड़े पांच होगा और इसका दो गुड़े दो होगा तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड दो आ गया तो ये नहीं होगा ठीक है उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए तो ये हो गया आंसर पहला ये हो गया दूसरा अब इसको शांत दशमलव बदलेंगे तो क्या आएगा दो दुना चार दो पंची दस दो दशमलव पांच आ गया यानी कि इसका दशमलव निरूपण भी क्या है शांत है आए और आइए और उदाहरण देख लेते हैं जैसे मान लीजिए हो गया इक्कीस बटे पांच सत्रह बटे पांच तेईस बटे चार कुछ भी लिख सकते हैं आप जस्ट कुछ भी लिख सकते हैं बस इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए दशमलव इसका शांत दशमलव होना चाहिए तो बस ये आपका हो गया आंसर तो समझ में आया होगा आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया कमेंट करके बताइए हम आपको समझाएंगे और ठीक है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो अनवसानी आवर्ती क्या हो अनावर्ती क्या होता है हम आपको बताए हैं अनवसानी का मतलब क्या होता है अशांत एक होता है शांत दशमलव एक होता है अशांत दशमलव अशांत दशमलव दो तरह से होता है एक अशांत आवर्ती एक अशांत अनावर्ती ये है अनावर्ती अनावर्ती का मतलब अनावर्ती अनावर्ती का मतलब जो कभी रिपीट ना हो जो कभी बार बार ना आने लगे अनावर्ती मतलब पूरा आते जाए ऐसे कभी समाप्त ना होने वाला अशांत है जिसमें कभी समाप्त नहीं होता शेष शेष कभी समाप्त नहीं होता अनावर्तिक मतलब कभी रिपीट नहीं होता यानी कि अशांत और अनावर्ती दशमलव हमें बताना है जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि बाईस बटे सात, बाईस बटे सात क्या है एक अशांत अनावर्ती दशमलव है जिसका अगर दशमलव प्रसार करते हैं तो ना कभी खत्म होता है और ना कभी रिपीट होता है तो इसी तरह का एग्जाम्पल हमें देना है तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे देंगे मान लीजिए एग्जाम्पल देना है पहला हम देते हैं मान लीजिए हमने लिख दिया जीरो दशमलव जीरो एक जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो पाँच ऐसे डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक तो ये ना तो कभी रिपीट होगा ना कभी खत्म होगा तो ये क्या हो गया आसान अनावर्ती हमने लिख दिया जीरो दशमलव वन टू जीरो वन वन टू जीरो वन 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 टू जीरो वन 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 चार बार टू ऐसे अनंत तक ये क्या हो गया अशांत तो तक। तक। ये, ये सभी अशांत अनावर्ती हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं बस कभी खत्म ना होने वाला हो और लिख सकते हैं जीरो दशमलव हमने लिख दिया कि मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं वन वन थ्री वन वन थ्री, वन, वन थ्री वन 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 थ्री डॉट 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 अनंत तक ठीक है तो ये सब क्या है अनवसानी अनावरती यानी अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव हैं तो इसको एग्जाम्पल में इसी तरह से लिख देना है बस और कुछ नहीं करना ऐसी तीन संख्याएं बोला था तो तीन एक दो तीन लिख दिए बस हमारा आंसर हो गया आंसर हो गया यही तो आइए देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है चलिए देखते हैं आ गया है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है परिमेय संख्याओं पांच बटे सात और नौ बटे ग्यारह के बीच के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना मतलब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो पहले देखते हैं इसको पाँच बटे सात और नौ बटे ग्यारह इसका दशमलव प्रसार करते हैं देखते हैं किस प्रकार का दशमलव प्रसार है सेवन फाइव इसको डिवाइड करेंगे जाएगा नहीं पॉइंट बढ़ाएंगे, फिफ्टी सेवन जा, सात सता उनचास माइनस वन आ गया ज़ीरो पढ़ाएँगे सात कम सात आ गया फिर तीन आ जाएगा फिर तीस हो जाएगा सात चौका अट्ठाइस दो आ जाएगा बीस सात दो चौदह छः आ जाएगा फिर ये सिक्सटी बन जाएगा फिर सेवन की टेबल सात अठे छप्पन आठ बार जाएगी फिफ्टी सिक्स आ जाएगा माइनस करेंगे फोर ज़ीरो बन जाएगा फोर्टी बन जाएगा फिर सेवन की टेबल फोर्टी में कितनी बार जाएगी सात पच्चीस पैंतीस पांच बार जाएगी फिर माइनस करेंगे फाइव आ गया अब देखिए यहाँ फाइव आया जीरो कर लेते हैं सेवन सेवन देखिए यहाँ पर भी फिफ्टी था सेवन सेवन जा गया था अब फिर सेवन जा जा रहा है फिफ्टी आ गया यानी कि यहाँ से रिमाइंडर क्या हुआ रिपीट होने लगा ठीक है तो अब रिपीट होने लगा तो इसके बाद से फिर वही नंबर सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन ऐसे सब रिपीट होता जाएगा यानी फाइव अपान फाइव अपान सेवन की वैल्यू क्या आई पॉइंट में एह, इसका प्रसार क्या आया सेवन वन फोर टू एट फाइव और ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे ठीक है आइए देखते हैं नाइन अपानी इलेवन को भी डिवाइड कर लेते हैं इलेवन से डिवाइड करेंगे नाइन में पॉइंट जाएगा नाइन्टी ग्यारह अट्ठे अट्ठासी माइनस हो जाएगा टू आ गया जीरो ग्यारह एक्म ग्यारह कितना आ गया नाइन फिर ग्यारह अट्ठासी फिर अब देखिए रिपीट होने लगा टू यानी यहीं से क्या हो गया रिपीट होने एट वन एट वन एट वन ऐसे आता जाएगा ठीक है तो नाइन अपान इलेवन नाइन अपान इलेवन का प्रसार क्या आया एट पॉइंट वन के ऊपर बार ठीक है फाइव अपॉइंट सेवन की वैल्यू क्या आई सेवन वन फोर टू फाइव एट फिर से बार बार रिपीट होने लगा तो अब इसको क्या करना है परिमेय संख्याएँ इतने और इतने के बीच में तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो आइए देखते हैं अब मान लेते हैं कि इसके बीच में जैसे अगर कहते हैं कि पांच और आठ के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी तो इधर क्या आएगा पाँच से बड़ी संख्या और इधर क्या आएगी आठ से छोटी संख्या यानी पाँच से बड़ी छः सात और आठ से छोटी सात छः ठीक है तो इसी तरह से अगर बात करते हैं पॉइंट सेवन वन फोर टू एट फाइव की और पॉइंट एट वन की तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी इसके पहले कौन सी संख्या आएगी इसके बाद की कोई तीन संख्या और इसके पहले की कोई तीन संख्या हमको लिखनी है तो अगर हम इसके बाद की इसके बाद की कोई भी संख्या लिख देते हैं जैसे मान लीजिए सेवेंटी वन है सेवेंटी वन के बाद और एट्टी वन के पहले एट्टी वन के पहले क्या आएगा एट्टी सेवेंटी नाइन सेवेंटी एट यही सब आएगा और सेवेंटी टू के बाद सेवेंटी सेवेंटी वन के बाद सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर यही सब आएगा तो हमारा जो नंबर होगा वो चाहे हम दो दो चार दो छः डिजिट का नंबर लिखें तो आइए देखते हैं सेवन टू हमने एक नंबर लिख दिया सेवन टू इसके बाद अब कोई भी नंबर लिखिए ये इसके बाद ही आएगा सेवन टू वन टू थ्री फोर कुछ भी लिख देते हैं सेवन थ्री सेवन एट नाइन कुछ भी लिख देते हैं जो कि क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ठीक है अब देखिए यहां पर नंबर कोई भी तो लिख सकते हैं लेकिन हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास एक बाधा है वो क्या है कि हमें केवल अपरिमेय संख्या ही लिखना है आप परिमेय संख्या लिखना अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी एक बार कट जाएगी ये हो सकता है रिपीट ना हो तो हम ऐसी संख्या लिखेंगे जो कि रिपीट हो तो अब जैसे मान लेते हैं कि सेवेंटी वन के बाद लिखना है कोई नंबर तो आंसर हमारा क्या होगा आंसर हम कैसे लिखेंगे ये समझाने के लिए हमने आपको बताया तो सेवनटी टू जीरो जीरो सेवन थ्री जीरो जीरो सेवन फोर जीरो जीरो डॉट 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 अनंत तक जो कि नंबर अपरिमेय होना चाहिए ये देखिए अपरिमेय है रिपीट होता चला जाएगा रिपीट होता चला कहीं तक भी आप लिखते जाइए ये रिपीट होता नंबर चला जाएगा कभी टर्मिनेट नहीं होगा कभी खत्म नहीं होगा अब पहला नंबर हो गया दूसरा नंबर इसी तरह का कोई तीन नंबर लिखना है हमको मान लीजिए हम इसके बाद, बाद बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर आ जाता है सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव सेवन सिक्स सेवन 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 एट ऐसे लिखते चले गए जो कि कभी खत्म नहीं हो रहा है अब मान लेते हैं इसके पहले का कोई नंबर एक ले लेते हैं इसके पहले का होना चाहिए सेवेंटी एट्टी वन के पहले का सेवेंटी वन की बात का एट्टी वन के पहले का कोई नंबर ले, ले लेते हैं तीसरा तो एट्टी वन के पहले क्या आता है एट्टी एट जीरो एट जीरो जीरो एट जीरो 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 ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे अनंत तक एक नंबर और ले देते हैं आपको तीन ही नंबर लिखना है लेकिन कि तीन ही परिमेय संख्या लिखनी है लिखने हम एक और बता दे रहे हैं चार तो जैसे मान लीजिए सेवन नाइन सेवन नाइन नाइन सेवन नाइन 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 ऐसे ऐसे लिखते चले कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं बस वो क्या होना चाहिए सेवनटी वन के इसका दूसरा डिजिट सेवेंटी वन से ज्यादा और एट्टी वन से कम होना चाहिए बस तो ये है आपका आंसर इसमें से वन टू थ्री थ्री नंबर आप आंसर में लिख दीजिए ठीक है हमें इस तरह का नंबर लेना है जो कभी खत्म ना हो कभी रिपीट ना हो तभी ये क्या होगा अपरिमेय होगा ठीक है तभी ये नंबर अपरिमेय नंबर होंगे नहीं तो ये परिमेय नंबर हो जाएंगे तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं इतने परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या बताना है ठीक है तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है जो कि कभी खत्म नहीं होगी तो चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है तो वीडियो आपको कैसे लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइए है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 इसके बाद खत्म हो जाएगी ये लास्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं देखिए परिमेय संख्याएं बताना बताइए निम्नलिखित संख्याएं परिमेय और कौन सी कौन कौन अपरिमेय है तो आपको बताना है कौन कौन सी संख्या परिमेय है कौन कौन सी अपरिमेय है तो अंडर रूट ट्वेंटी थ्री हमने आपको अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण में बताया था क्या रूट टू रूट थ्री रूट फाइव ये सब क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं वो अपरिमेय होती हैं तो चलिए देखते हैं अंडर रूट ट्वेंटी थ्री रूट ट्वेंटी थ्री इसका मान नहीं निकाल सकता ट्वेंटी थ्री का रूट नहीं निकाल सकते ये अंडर रूट के रूप में दिया है निकालेंगे और ये कभी डिवाइड नहीं होगा कभी कभी भी इसका टर्मिनेट नहीं होगा इसका रिमाइंडर तो ये क्या है रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है अपरिमेय रूट थ्री अपरिमेय है अच्छा देखते हैं अंडर रूट टू ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव को फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन लिख सकते हैं पंद्रह पंद्रह में दो सौ पच्चीस होता है इसका आंसर आ जाएगा फिफ्टीन और फिफ्टीन के नीचे वन लिख सकते हैं तो ये नंबर पी बटे क्यू के रूप में आ गया पी बटे क्यू के रूप में आ गया तो ये एक परिमेय संख्या होगी ये अंडर रूट के अंदर थी लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है ठीक है तो इसका अंडर रूट फिफ्टीन हो गया ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव का रूट कितना आ गया पंद्रह आ गया तो ये बटे रूप में पिबे हैं ये एक परिमेय संख्या है परिमेय है ये कैसी संख्या है परिमेय है चलिए आगे देखते हैं Sixani6, अगर कोई नंबर यहाँ पर आके खत्म हो गया टर्मिनेट हो गया तो जब कोई नंबर परिमेय जब कोई नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो ये कैसा दशमलव होता है शांत दशमलव होता है और शांत दशमलव जब आता है तो वो संख्या कैसी होती है परिमेय होती है परिमेय संख्या होती है ठीक है हमने आपको अभी बताया भी था कि अपरिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्या, संख्या का उदाहरण लिखेंगे तो इस तरह वन जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो जीरो, जीरो ऐसे ऐसे लिखेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है तो क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं तो थ्री में थ्री क्यों परिमेय है क्यों शांत है क्योंकि ये जाकर के यहाँ पर समाप्त हो गई तो शांत दशमलव हुआ शांत दशमलव की संख्याएं कैसी होती हैं परिमेय संख्याएं है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर सेवन पॉइंट फोर सेवन एट फोर सेवन एट ऐसे 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 ये रिपीट होता जा रहा है ठीक है जब कोई संख्या रिपीट होती जाती है तो ये कैसी होती है संख्या होती है ठीक है तो ये कैसी हो गई आ परिमे. ना तो ये कभी रिपीट हो रही है ना कभी खत्म हो रही है देखिए फोर सेवन एट फोर सेवन एट जब कोई संख्या ना कभी समाप्त हो और ना कभी रिपीट हो तो वो कैसी होगी अपरिमय होगी न कभी समाप्त हो न कभी हमने आपको पहले भी बताया परिभाषा में बताया है न कभी पुनरावृत्ति हो पुनरावृत्ति हो तो वो कैसी होगी अपरिमय होगी ये भी देखिए कभी नहीं समाप्त हो रही है वन पॉइंट वन जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो भी क्या है अपरिमेय है अपरिमय है ये भी अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है ये परिमेय है ये भी परिमेय है, परिमे है और ये अपरिमेय है ठीक है तो ये है एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री समाप्त होती है आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए अगर ये आप लोग डेमो के तौर पर देख रहे हैं पी वी ऐप को डाउनलोड करिए और पी वी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए बहुत बहुत धन्यवाद